वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक साइंस। कैसे हैं आप सब? मैं माधवी और आज मैं ऑपरेशन थिएटर स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट या पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए लेकर के आई हूँ फिर से एक नया टॉपिक, एक फिर से एक नई सर्जरी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्टूडेंट वैगोटॉमी सर्जरी के बारे में कि आखिर वैगोटॉमी सर्जरी क्या कहलाती है, इसमें पेशेंट को कैसा पोजिशन दिया जाता है, कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है, देन किस इंस्ट्रूमेंट का यूज कर पेशेंट की सर्जरी कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको बताते हैं वैगोटॉमी सर्जरी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जानते हैं कि वैगोटॉमी सर्जरी है क्या या वैगोटॉमी सर्जरी कब की जाती है। तो जब किसी पेशेंट को स्टूडेंट जब किसी पेशेंट को पैप्टिक अल्सर हो जाता है तो पैप्टिक अल्सर हो जाने पर पेशेंट का ट्रीटमेंट देने के लिए पेशेंट को वैगोटॉमी सर्जरी की जाती है या पेशेंट की वैगोटॉमी सर्जरी की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो पेशेंट को पैप्टिक अल्सर कब होता है, तो स्टूडेंट ये जो पैप्टिक अल्सर में क्या किया जाता है, इस सर्जरी में पेशेंट के वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो पैप्टिक सर्जरी होती है उसमें वेगस नर्व को कट करके इस सर्जरी को कराया जाता है जिसे हम वैगोटॉमी सर्जरी कहते हैं। अब वेगस नर्व को क्यों क्यों कट किया जाता है, तो स्टूडेंट जो वेगस नर्व होती है वो हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है और ये जो वेगस नर्व होती है ये हमारे एब्डोमेन को खाली करने में हेल्प करती है और बहुत सारे एसिड्स का सिक्रेशन करने में हेल्प करती है। ये जो वेगस नर्व होती है वो हमारे जो एब्डोमेन है उसमें बहुत सारे केमिकल्स का सिक्रेशन करती है जिससे आपकी बॉडी में जो गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं उसका जो फॉर्मेशन होता है उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो जब जरूरत से ज्यादा बॉडी में गैस्ट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब गैस्ट्रिक एसिड का निर्माण जब एब्डोमेन में ज्यादा होने लगता है तो क्या होता है, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूओडेनम होता है या जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो इंटरनल लेयर होती है वहां पे छाले पड़ने लगते हैं। तो वो जो इंटरनल लेयर में छाले पड़ते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, पैप्टिक अल्सर कहते हैं। तो इस कंडीशन में जो वेगस नर्व होती है जो गैस्ट्रिक एसिड्स के सिक्रेशन को बढ़ा देती है तो वेगस नर्व को कट करके रिमूव कर दिया जाता है जिससे क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड का फॉर्मेशन ज्यादा नहीं होता है और जिससे पैप्टिक अल्सर भी पेशेंट को नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि पैप्टिक अल्सर हो जाने पर जो वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है उसको ही हम कौन सी सर्जरी बोलते हैं, वैगोटॉमी सर्जरी कहते हैं। तो वैगोटॉमी सर्जरी क्या है, पैप्टिक अल्सर हो जाने पर वेगस नर्व को कट करके रिमूव कर देना ही क्या कहलाता है, आपका वैगोटॉमी सर्जरी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि इस सर्जरी में पेशेंट को कौन सा पोजिशन दिया जाता है। तो ये कौन सा सर्जरी है, सबसे पहले ये एब्डोमेन सर्जरी है। एब्डोमेन सर्जरी है तो मतलब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में रखकर, मतलब ओडी टेबल पर सीधा लेटाकर पेशेंट की सर्जरी की जाती है, मतलब सुपाइन पोजीशन में पेशेंट को रखा जाता है फिर पेशेंट की सर्जरी की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसमें पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो स्टूडेंट ये पेशेंट की कंडीशन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है कि पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाना है। पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है और स्पाइनल एनेस्थीसिया भी दिया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पेशेंट की कंडीशन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाना है। बट एज अ ओटी टेक्नीशियन हमें जनरल एनेस्थीसिया भी प्रिपेयर करके रखना होता है, देन स्पाइनल एनेस्थीसिया भी प्रिपेयर करके रखना होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि वैगोटॉमी सर्जरी है क्या, फिर मैंने आपको बताया कि वैगोटॉमी सर्जरी में कौन सी पोजीशन पेशेंट को दी जाती है, देन मैंने आपको बताया कि पेशेंट को कौन सा एनेस्थीसिया दिया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो वैगोटॉमी सर्जरी होती है उसमें कौन से इंस्ट्रूमेंट सेट का यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी, तो जो वैगोटॉमी सर्जरी है वो एक एब्डोमेन सर्जरी है क्योंकि वेगस नर्व या पैप्टिक अल्सर कहाँ पे हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये एब्डोमेन सर्जरी है। एब्डोमेन सर्जरी का मतलब क्या है कि ये पेट की सर्जरी है, तो इसमें लैप्रोटॉमी इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलो हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से लैप्रोटॉमी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके ये सर्जरी कराई जाती है। तो सबसे फर्स्ट होता है स्टूडेंट स्पंज होल्डर। तो ये जो स्पंज होल्डर है बहुत ज्यादा यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। स्पंज होल्डर आपको 2 रखने होते हैं क्योंकि इसका यूज स्टार्टिंग में, सर्जरी के स्टार्टिंग में जो पेशेंट को ऑपरेटिव पार्ट होता है उसे पेंट करने के लिए स्पंज होल्डर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप स्टूडेंट आपको 1 लेना होता है, क्यों, क्योंकि जब हम पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को पेंट कर देते हैं तो पेंट करने के बाद जब
ड्रेप किया जाता है टॉवल से, मैकिंटॉश से या बिग टॉवल से, आई टॉवल से, तो उन ड्रेप्स को फिक्स करने के लिए किसका यूज किया जाता है? टॉवल क्लिप्स का यूज किया जाता है। आपको एक टॉवल क्लिप लेनी होती है। नेक्स्ट आता है आपको टॉवल्स, तो आपको स्टूडेंट 6 स्मॉल टॉवल्स, 6 बिग टॉवल, देन आपको 2 आई टॉवल, 2 मैकिंटॉश लिया जाता है पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को चारों ओर से ड्रेप करने के लिए। नेक्स्ट आता है बीपी हैंडल। तो स्टूडेंट जो बीपी हैंडल का मतलब होता है बार पालकर नाइफ हैंडल, ठीक है, या ब्लेड हैंडल। तो ये जो ब्लेड हैंडल होता है स्टूडेंट, एक तो आपको 3 नंबर का लेना होता है, एक आपको 4 नंबर का लेना होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं ब्लेड्स, तो ब्लेड्स कितने नंबर की लेनी होती है? तो ब्लेड्स आपको एक 11 और 15 नंबर की लेनी होती है, और एक 20 से लेके 24 तक कोई भी नंबर की आप ब्लेड ले सकते हो। बस आपको इतना याद रखना है कि 3 नंबर के नाइफ हैंडल में 11 और 15 नंबर के ब्लेड को अटैच किया जाता है, 4 नंबर के नाइफ हैंडल में 20 से लेके कोई भी नंबर के ब्लेड को फिक्स किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है कर्व डिसेक्टिंग सीजर। सीजर का यूज बहुत ज्यादा होता है स्किन को कट करने के लिए, टिश्यूज को कट करने के लिए, इंटरनल लेयर को कट करने के लिए, या सूचर्स को कट करने के लिए। तो आपको कर्व में भी सीजर रखनी होती है, स्ट्रेट में भी सीजर रखनी होती है। तो कर्व डिसेक्टिंग सीजर आप 2 रख सकते हो, एक बिग साइज एक मीडियम साइज में, और आप एक स्ट्रेट में भी रख सकते हो, आप कैसे एक बिग एंड मीडियम साइज में, तो दो दो आपको सीजर रखनी होती है, ठीक है स्टूडेंट। कर्व आर्टरी फोर्सेप्स, जो आर्टरी फोर्सेप्स होता है स्टूडेंट, वो आपको कर्व में भी रखनी होती है और स्ट्रेट में भी रखनी होती है, क्योंकि आर्टरी फोर्सेप्स का यूज बहुत ज्यादा होता है ब्लीडर्स को पकड़ने के लिए, टिश्यूज को होल्ड करने के लिए, या कॉगुलेशन के लिए, हेमोस्टोसिस के लिए। तो उस कंडीशन में आपको कर्व एंड स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स का यूज किया जाता है। तो कर्व आर्टरी फोर्सेप्स आपको 6 रखने होते हैं, देन आपको स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स भी 6 रखने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आता है टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, टूथ एंड नॉन टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स। तो टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स, नॉन टूथ टूथ डिसेक्शन, सबसे पहले हम बात करते हैं टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स के। टिश्यूज को होल्ड करने के लिए, टिश्यूज को कट करने के लिए, ऑपरेटिव पार्ट को कट करने के लिए, टिश्यूज को होल्ड रखने के लिए, या सूचरिंग के लिए टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप्स का यूज किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये भी आपको कितने रखने हैं? 2-2 रखने हैं, बिग साइज और मीडियम साइज में। देन नेक्स्ट आता है स्टूडेंट बैक ऑफ टिश्यू फोर्सेप्स। ये बैक ऑफ टिश्यू फोर्सेप्स बहुत अच्छा टिश्यू होल्डर है, ये टिश्यू को होल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ये भी आपको 6 रखना होता है। देन लैरिंजियल टिश्यू फोर्सेप्स, लैरिंजियल टिश्यू फोर्सेप्स आपको 2 लेने होते हैं। देन आपका फिर आता है एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। एलिस टिश्यू फोर्सेप्स स्टूडेंट आपको ऐसे लेना होता है बिग साइज में, मीडियम साइज में। तो बिग साइज में आपको 4 रखना होता है, देन मीडियम साइज में आपको 4 रखना होता है। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट कॉकर फोर्सेप्स। तो कॉकर फोर्सेप्स भी स्ट्रेट होता है देन कर्व होता है। तो कर्व कॉकर फोर्सेप्स आपको 6 रखने होते हैं, देन स्ट्रेट कॉकर फोर्सेप्स भी आपको 6 लेने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। देन नेक्स्ट आता है लेंजन बैक रिट्रैक्टर। तो लेंजन बैक रिट्रैक्टर मतलब आपके ऑपरेटिव पार्ट को या पेशेंट के ऑपरेटिव पार्ट को रिट्रैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये आपको 2-2 लेना होता है, 2 बिग साइज देन 2 मीडियम साइज देन 2 स्मॉल साइज। नेक्स्ट क्या होता है डीवर्स डीप प्रोटेक्टर। तो डीवर्स डीप प्रोटेक्टर मतलब एब्डोमिन सर्जरी है, एब्डोमिन सर्जरी में डीवर्स डीप प्रोटेक्टर, डॉइंस प्रोटेक्टर और सेल्फ एब्डोमिन प्रोटेक्टर का यूज बहुत ही कॉमन होता है। आपको ऑल एब्डोमिन सर्जरी में इनका यूज करना होता है। तो डीवर्स डीप प्रोटेक्टर भी आपको ऑल साइज के लेने होते हैं, देन आपका डॉइंस प्रोटेक्टर भी आपको ऑल साइज के लेने होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है आपका सेल्फ एब्डोमिन प्रोटेक्टर भी आपको रखना होता है। देन नेक्स्ट आता है आपको साइनस फोर्सेप्स। साइनस फोर्सेप्स भी आपको 2 रखना होता है, देन प्रोब आपको 1 रखनी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो मैंने आपको बताया है लैप्रोटॉमी इंस्ट्रूमेंट सेट में कौन से इंस्ट्रूमेंट रख करके पेशेंट की सर्जरी कराई जाती है, ठीक है स्टूडेंट। एक्स्ट्रा आइटम्स में आपकी जो ट्रॉली होती है उसमें आपको एक किडनी ट्रे रखनी होती है, 2 बाउल्स रखने होते हैं, पैड काउंट करके 10 रखने होते हैं, स्पंज 6 रखने होते हैं, देन वॉश पीसेस रखनी होती है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैंने आपको बताया कि लैप्रोटॉमी सर्जरी में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। ये सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही पेशेंट का वैगोटॉमी सर्जरी कराया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा एक्स्ट्रा आइटम्स में सक्शन मशीन, इलेक्ट्रोकॉटरी मशीन, ओटी टेबल, ये सारी मशीनें या एनेस्थीशिया मशीन की हेल्प से पेशेंट की सर्जरी कराई जाती है, ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया वैगोटॉमी सर्जरी है क्या, फिर मैंने आपको बताया इसमें कौन सा पेशेंट को पोजिशन दिया जाता है, कौन सा एनेस्थीशिया दिया जाता है, देन किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके पेशेंट की सर्जरी कराई जाती है, ठीक है स्टूडेंट।
अब हम आपको बताएंगे कि कैसे इंस्ट्रूमेंट रॉली प्रिपेयर की जाती है। तो इंस्ट्रूमेंट रॉली प्रिपेयर करने से पहले जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के थ्रू स्टराइल किया जाता है। देन स्टराइल करने के बाद इन्हें क्या किया जाता है, ट्रॉली में सेट किया जाता है। तो जो भी टेक्नीशियन ट्रॉली में इंस्ट्रूमेंट सेट करता है, सबसे पहले उसे स्क्रबिंग करना होता है, फिर गाउनिंग करना होता है, ग्लोविंग करना होता है, देन उसके बाद ही वो इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर करता है। इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली प्रिपेयर करने से पहले जो ओटी टेबल होती है, जो ओटी ट्रॉली होती है, इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली होती है, उसे क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, पॉलीड्रेप से ड्रेप किया जाता है, मैकिंटॉश डाला जाता है, देन लेफ्ट टू राइट इंस्ट्रूमेंट सेट किए जाते हैं। जो ट्रॉली होती है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, अपर पार्ट लोअर पार्ट। जो अप लोअर पार्ट होता है उसको लेफ्ट टू राइट इंस्ट्रूमेंट सेट किए जाते हैं। जैसे सर्जरी स्टार्ट होने पे जिस इंस्ट्रूमेंट का पहले यूज है उसे पहले ही लगाया जाता है। जैसे जैसे प्रोसीजर बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट सेट किए जाते हैं। अपर पार्ट में गाउन्स, डॉक्टर गाउन्स, टॉवल, किडनी ट्रे, बाउल, पैड, जितने भी एक्स्ट्रा आइटम्स होने होते हैं उन्हें अपर पार्ट में लगा करके ट्रॉली को सेट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सर्जरी करने से पहले जब आप ट्रॉली प्रिपेयर करते हो तो उस टाइम पे सभी इंस्ट्रूमेंट को काउंट किया जाता है एंड सर्जरी खत्म होने के बाद सारे इंस्ट्रूमेंट को रीकाउंट किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैंने आपको बताया वैगोटॉमी सर्जरी क्या है, इसमें कौन सा एनेस्थीसिया, कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा पोजिशन पेशेंट को दिया जाता है। तो आज की क्लास हमारे यहीं तक, थैंक यू।